में एक नाबालिग के अचानक लापता होने से सनसनी फैल गई। नाबालिग की मां अपने बेटे को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची और बेटी को ढूंढने के लिए गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का गठन किया है, साथ ही उनका हौसला बढ़ाने के लिए इनाम की घोषणा भी की है। तीनों ही टीम बच्ची की तलाश में जुटी है। अभी थोड़ी देर पहले दीदी आई थी, उनका साथ उनका बेटा भी था। उन्होंने बताया कि गुजरात से कुछ पैसे कर्ज चुका दिए थे उन्होंने अपने बेटे बेटी को लेके भेजा। जो बेटी को बस स्टैंड से 2 महिलाएं महिला घोषणा के ले गई और पिछले 2-3 दिन से परेशान उन्हें होता रहती। मैंने सब इंस्पेक्टर हमारे थाने में राठौर है उनके नेतृत्व में 3 लोगों की टीम बनाई जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट भी है, उसको एक विशेष वाहन देंगे हम और वाहन को लेकर लगातार घूमेंगे जब तक कि बची नहीं मिलेगी। उसमें साइबर उसकी मदद करेगी, जब टीम उसको ढूंढेगी बच्ची को तो उसको कैश अवॉर्ड होगा। नेचुरली हम इंसान हैं और बच्चियाँ सभी की एक समान होती है। हमारे सी एम साहब का निर्देश है, दूसरा मन में भी भावना होती है कि किसी की बच्ची नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए हमने 10 दिन में विशेष अभियान चला करके इसी 16 से 17 साल की 5 बच्चियाँ गुजरात से और इंदौर से और भोपाल से और नागपुर से रिकवर करी है और जो भी टीम लेके आई सबको रिवॉर्ड दिया।